खबर झुंझुनू से है, जहां पर नर्सिंग कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही में ये चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिन में उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। नर्सिंग कर्मी विजेंद्र सिंह ने बताया कि 2016 में ऑनलाइन एग्जाम के जरिए उनकी भर्ती की गई और उनके 3 साल के बाद जनवरी 2020 में उन्हें पोस्टिंग भी दी गई, लेकिन उनकी तनख्वाह जो है वो 7,900 रुपए ही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। एनएचएम 2016 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिसका एग्जाम फरवरी 2016 में हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। उसके 3 साल बाद में सर हमें ज्वाइनिंग दी गई 2020 में, यानी कि 1 जनवरी 2020 से ही हमने कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे को जो मानदेय दिया जा रहा है वो 7,900 रुपये दिया जा रहा है, जबकि 7,900 रुपये में आप समझ सकते हो कि घर खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ तो हमें सभी नर्सेज को गवर्नमेंट कह रही है कि ये सारे हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करवा रही है, ताली बजवा रही है, जगह जगह हमारा स्वागत करवा रही है, लेकिन ऐसा स्वागत किस काम का कि जिससे हमारा पेट ही नहीं भर सके। अब 6,952 रुपये में हम हमारा खर्चा कैसे चलाएं? ऐसा भी नहीं है कि हम डायरेक्ट